प्रक्रिया क्लास 1.2 एक्सरसाइज बेसिक पूरे चैप्टर का पहले पढ़ लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कौन से एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है, ये बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दो से डिविजिबल ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर, तो ऐसा कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं, ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो दो से डिविजिबल हो। इसका मतलब ऐसा कोई सी भी विषम संख्या नहीं है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब ये वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होगा। सेकंड है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो ओनली फॉर टू, एक ही अपाची संख्या जो सम भी है वो केवल दो होती है, इसके अलावा एक भी सम संख्या अपाची संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट अक्ष है, दैट अक्ष एक प्राकृत संख्या है जो अक्ष इज लेस देन फाइव, कंडीशन है कि अक्ष इज लेस देन फाइव एंड अक्ष इज ग्रेटर देन सेवन, ऐसे कोई सा भी नंबर नहीं है जो पाँच से छोटा हो और सात से बड़ा हो। अगर पाँच से छोटा होगा तो सात से बड़ा नहीं होगा, और सात से बड़ा होगा तो पाँच से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। फोर्थ पार्ट वाई सजेस्ट वाई, यानी कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए दो पैरेलल लाइन है उसका कॉमन पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, ये पैरेलल लाइन है दो एल वन और एल टू, इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, डिवीजन क्या इंटरसेक्ट करेगी नहीं, दोनों लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करेगी नहीं, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट मीन्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, मतलब अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों को गिना जा सकता काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट होगा, और काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका वर्ड्स के महीने, तो जो ईयर है उसमें टोटल मंथ कितने हैं तो लिमिटेड है ये, तो इसका मतलब फाइनाइट सेट है। वन टू थ्री एंड सो ऑन मीन्स लिमिटेशन नहीं है, ये कह जाएगा वन टू थ्री एंड सो ऑन, अब ये पता नहीं अपने कहाँ पर जाकर रुक रहे, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। इसका थर्ड पार्ट भी सेम यही दे रखा, बट इसमें लिमिटेशन दे रखी, एंड में 100 लिख रखा है, इसका मतलब लिमिटेशन है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 100 है। फोर्थ पार्ट 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, 100 से बड़ी संख्या बहुत सारी होती है भी इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ पार्ट 99 से छोटा प्राइम नंबर चाहिए, तो वो भी इंटीजर में, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि इंटीजर नंबर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, तो हमने 99 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक लेंगे तो इनफाइनाइट से किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अपने को थर्ड में भी सेम केस दे रखा, कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट ये बताना। फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इनफाइनाइट से होगा, रीजन क्या, जैसे ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन समांतर रेखा बहुत सारी बना सकते हैं, कितनी भी बनो, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इनफाइनाइट से। सेकंड ईयर का है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय लिमिटेड, अल्फाबेट लिमिटेड ही है 26, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट होगा। फाइव से डिविजिबल नंबर, ऐसे कितने नंबर होते हैं जिसमें पाँच का पूरा पूरा भाग जाता है, तो फाइव से डिविजिबल नंबर इनफाइनाइट नंबर हो गए, तो ये इनफाइनाइट सेट। तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे बना सकते हैं इस टाइप से, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन ए इक्वल टू बी है या नहीं ये बताना है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देगा ए सेट देगा व्हाट ए बी सी डी, और इधर बी में दे रखा है बी सी डी ए, तो मैंने आपको पहले बताया था सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ए बी सी डी दे रखा है इसमें भी ए बी सी डी आगे पीछे लिख रखा है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी दोनों इक्वल सेट है। इक्वल सेट मीन्स क्या हो, दोनों में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं बट एलिमेंट सेम होना कंपलसरी है।
इधर सेकंड पार्ट में देखा ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 इधर बी में दे रखा अपने को 8, 4, 16, 18 दोनों से इक्वल नहीं है। इधर अपने 16 दे रखा, इधर 18 दे रखा है, यहाँ पर 12 है इसमें 12 नहीं, 16 तो चलो इसमें भी है, इसका में ये इक्वल सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट दे रखा 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 और बी दे रखा अक्सर डेटक्स इवन इंटीजर पॉजिटिव जो एक्सिस लेस देन इक्वल टेन, एक्सिस लेस देन इक्वल टेन तो 10 से छोटे इंटीजर नंबर चाहिए पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या लिखी है पर 2, 4, 6 सेम केस है, इसका मतलब ये इक्वल है। फोर्थ पार्ट अक्सर डेटक्स 10 का गुणज 10 के मल्टीपल तो 10, 20, 30 इस टाइप से चलेगा और बी में दे रखा 10, 15, 15 10 का मल्टीपल है ही नहीं, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको बताना कौन से इक्वल सेट है कौन से नहीं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट सोल्व करने वाले क्वेश्चन तो इन्हें बस होने को चेक ही करना। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ए सेट दे रखा 2, 3 बी दे रखा एक्स सेट डेट एक्स क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 3 कॉमन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 2 और माइनस 3 इधर तो अपने प्लस 2 प्लस 3 दे रखा इधर माइनस 2 माइनस 3 इसका मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं। सेकंड पार्ट ए सेट दे रखा है एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू तो सेट में एलिमेंट होंगे रोस्टर फॉर्म में एफ ओ एल डब्ल्यू एल दो बार आ रहा ओ दो बार आ रहा बट सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते और बी सेट दे रखा डब्ल्यू एल एफ W O L F एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पर A और B से दोनों इक्वल है तो दोनों में एलिमेंट आगे पीछे है बट एलिमेंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 अब मेरे को ये बताना कौन कौन से इक्वल सेट है कौन से नहीं है तो यहाँ पर A B C D H तक दे रखा A में दे रखा 2, 4, 8, 12 इधर अपने को देखना 2, 4, 8, 12 कौन से सेट में है तो ये किसी में भी नहीं दे रखा है। डी में दे रखा 1, 2, 3, 4 इधर 1, 2, 3, 4 अपने डी में दे रखा है आगे पीछे एलिमेंट बट एलिमेंट सेम दे रखे हैं इसका मतलब बी और डी दोनों इक्वल होंगे। सी में दे रखा हमें 4, 8, 12, 14 ये किसी भी सेट में नहीं दे रखा है। ई में -1, +1 और जी में भी 1 और -1 आगे पीछे है बट एलिमेंट सेम दे रखे हैं तो ई और जी इक्वल होगा। एफ में 0, A दे रखा बट 0, A किसी में भी नहीं है इसका मतलब एफ के इक्वल कुछ भी नहीं होगा और H में 0, 1 है 0, 1 भी किसी में नहीं दे रखा है। F में 0, A दे रखा बट 1 नहीं दे रखा है तो H भी किसी के इक्वल नहीं होगा।